गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है सैटरडे की शाम और रियू जो है मुझे झूला झूला रहा है। एक वक्त था जब मैं उसको झूला झूलाती थी और जब आज उसकी तरफ देखती हूँ तो सोचती हूँ कि ये इतना बड़ा कब हो गया कि वो मुझे झूला झूला रहा है। हेलो गाइस, तो आज है सैटरडे वीकेंड नाइट और हम आ गए हैं डिनर के लिए बाहर। किसके साथ दिखाती हूँ। तो रेहू के लिए जो है हम लोगों ने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर की थी, उसे फ्रेंच फ्राइज खानी थी। और यहाँ पे जो है हम लोगों ने ऑर्डर किया था सिज़्ज़लर, और क्योंकि फ़ोटो लेने के चक्कर में जो है छाछ जो है वो टेबल पे गिर गई थी। और एक्चुअली ये कोई नई बात नहीं है, हम जो है जब भी मतलब इकट्ठे होते हैं तो ऐसा कुछ ना कुछ तो होता ही होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई ना कोई ब्लंडर तो होता ही होता है। तो डिनर करने के बाद जो है रेव को स्लाइड करनी थी, और हम भी मोस्टली ऐसी ही जगह प्रेफर करते हैं जहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए जगह हो तो उसको मज़ा आए। और फिर जो है डिनर करने के बाद हम लोग इनके घर चले गए थे और फिर वहाँ पे हम लोगों ने खूब सारी बातें की देर रात तक। और जो है मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग इनसे स्टार्ट हुई थी। मैं सो रही थी, सुबह के 7 बजे थे और धम करके इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आई और इन्होंने हमें उठा दिया। तो डायरेक्टली मैं आपसे मिल रही हूँ मंडे को और अभी जो है बज रहे दोपहर के 12। और रियू जो है आज घर पे नहीं है तो मैं जो है बहुत ही अच्छे से रिलैक्स कर रही हूँ, आराम कर रही हूँ और वेट कर रही हूँ कि कब बारिश होगी, क्योंकि गुजरात में जो साइक्लोन आने वाला है तो उसकी वजह से प्रेडिक्शन था कि संडे को आएगी बारिश, लेकिन नहीं आई। अब मतलब एटमॉस्फेयर तो ऐसा हो गया है, अब डायरेक्टली वेनसडे को आएगा तो मैं बहुत अपसेट हो गई हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और मैं वेट कर रही हूँ कि कब बारिश होगी। और अभी जो है लंच में, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट किया था
तो सिर्फ सब्जी और रोटी बनाऊंगी और कुछ नहीं, और फिर बस आराम। और क्योंकि आज रेवनी है तो कुछ शायद मूवी वगैरह देखेंगे। तो दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और मुझे सब्जी रोटी बनानी है, बट उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, हाफ एन आवर में हो जाएगा। और क्योंकि आज रेऊ नहीं है, वो अपने दादा के घर गया है, तो उसकी रोटी नहीं बन, सब्जी तो वैसे उतनी ही बनेगी, लेकिन उसकी स्पेशल रोटी नहीं बनेगी आज। और वैसे तो रोज़ होता है तो मैं उसको डांटती रहती हूँ, बट आज है नहीं तो मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। एक अलग से रोटी मैंने स्पेशली गाय को खिलाने के लिए बड़ी वाली बनाई है, और सब्जी रोटी जो है वो रेडी है, तो अब हम लंच कर लेंगे। और इस ब्लॉग को जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, साइनिंग ऑफ। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।